सारी शराब अच्छी हो या खराब सब कुछ है तो शराब। लहरा के झूम झूम खेला मुस्कुरा खेला फूलों के रस में चांद की न समझो कि हम पी गए पीते पीते न समझो कि हम पी गए पीते पीते न समझो कि हम समझो कि हम पी गए पीत पीत के थोड़ा सा हम जी गए पीत पीत के थोड़ा किसी ने जो पूछा क्यों पी रहे हो किसी ने जो पूछा कि क्यों पी रहे हो तो हंस कर कहा पी गए पी नशा हो तो क्या नशा हो तो क्या खौफ मरने का यार नशा हो तो क्या खौफ मरने का यार कि हम कब्र में भी गए बताए भैया अबे काल इनका देखे रहे रामापुर में गिरा रहे दारू पी के गटर में परम मतरी चौराहा पर गिरा रहे नहरक बगल गटर में आ देखा तही तो हिया गिरा हाँ इनका कहाँ कहाँ हम उठावा तही लेकिन एक बात हमरे इन समझ में आवत भैया जमन इंसान दारू का हाथ नहीं लगावत रहन दारू देख के घृणा करत रहन लेकिन आज दारू में एकदम नथे में एकदम चोर चलता उठावा कोशिश ना कभो ना के पूछे का लेकिन आज आज हम पूछब कि का कारण है कहे मेरे को दारू पिया था भैया भैया याद करा भैया हम आपसे कुछ पूछे चाहे तो भैया मुझसे पूछना चाहता है हाँ भैया पूछ मेरे भाई क्या पूछना चाहता है तू हमारी हिम्मत ना पड़त रही लेकिन आज हिम्मत जुटाए कि हम आपसे पूछे चलते भैया लेकिन हमका भैया
साफ साफ बताया। ये बताओ भैया, आप कभो दारू का हाथ नहीं लगावत रहा, दारू जितना घृणा करत रहा, लेकिन का कारण है भैया कि जो आप दारू पिया था? ऐसा कौन सा गम आपको सताया है बतावन भैया? वाह मेरे भाई, आज तक मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि शिव शंकर तू दारू क्यों पी रहा है। अगर तुमने पूछा है तो मैं तुमसे जरूर बताऊंगा मेरे भाई। बताओ ना भैया कि मैं दारू किस लिए पीता हूँ, कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। हाँ भैया बताओ ना भैया। ए बाबू, मैं शहर अमेठी गांव सीतापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शिव शंकर है। मेरे माता पिता मेरे बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए। सिर्फ घर में मैं और मेरी बहन पूनम थी। माता पिता के मर जाने के बाद मैं यही सोचा कि शिव शंकर तू मत पर, तू कमा और अपनी बहन को पढ़ा, ताकि तेरी बहन जब पढ़ लिख लेगी तो लोग तेरी बहन पूनम के नाम से जानेंगे और कहेंगे कि वो देखो शिव शंकर जा रहा है पूनम का भाई। बहुत बड़ा दिल में अरमान सजा कर रखा, लोगों की आ मेहनत मजदूरी करने लगा और अपनी बहन पूनम का एडमिशन सीतापुर डिग्री कॉलेज में करवा दिया। फिर का भा भैया? चलते हो मेरे भाई, उसी कॉलेज में अमितपुर गांव का रहने वाला एक उदय राज नाम का लड़का भी पढ़ता था और वो मेरी बहन से प्यार कर बैठा और प्यार में कहानी इतनी बढ़ गई कि उसका खून मेरी बहन के कोख में पलने लगा। जब ये बात मैं सुना तो अपनी बहन का हाथ पकड़ा और ले गया अमितपुर उदयराज के हवेली पर। उनके पैर पकड़कर मैं गिड़गिड़ाने लगा कि साहब, मैं आपके यहाँ अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया हूँ। जानते हो मेरे भाई उसने क्या कहा? क्या कहा भैया? उसने लाश से ठोकर मार कर कहा, रे शिव शंकर तेरी औकात कैसे हुई मेरी हवेली तक आने की? जमीन और आसमान का मिलन जिस तरह से नहीं होता, उसी तरह से ये गरीब की शादी बड़े घर में नहीं होती। हमने कहा रोकर, बाबू आप ठीक कहते हैं, ये सच है, गरीब का रिश्ता बड़े घर में नहीं होता है, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ इसलिए कि आपका खून मेरी बहन के कोख में पल रहा है। अगर आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो मेरा मान सम्मान बच जाएगा, अगर आप इसे ठुकरा देंगे तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं सुना। मैं उसके पांव पर नाक रगड़ रगड़ कर भीख मांग रहा था रहम की, लेकिन जज्बात में आया, उठा रिवॉल्वर लगा दिया मेरे सीने पर। जैसे ही मुझे मारना चाहा, मैं अपनी बहन पूनम को छोड़कर वहां से भाग आया। ये सोचकर कि मेरे जाने के बाद ये मेरी बहन से प्यार करता है, मेरे आने से हो सकता है इसे अपनी बुराई महसूस होती हो, मेरे जाने के बाद इसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन जानता है, मैं अपनी बहन पूनम को छोड़कर जब चला आया, ठीक 9 बजे रात, ओ कमीना मेरी बहन पूनम को चाकू से गोद गोद कर जब ये खबर गांव के लोगों ने मुझे बताया तो मुझे कुछ नहीं सोचा मेरे भाई,
मैं पहुंचा अमितपुर पुलिस थाने, वहां पर उसके नाम से FIR दर्ज करवा दिया। क्या हुआ भैया? वो कमीना पकड़ा गया और उससे तो जेल हो गई। फिर यही गांव के लोग कहने लगे, अरे शिव शंकर ये तूने क्या कर दिया रे, अरे ये उदारा शैतान जिस दिन जेल से छूटेगा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं उसके डर के मारे भागते भागते बहुत दूर चलाया, यहाँ तक कि मेरे हाथ पाँव में थकावट आ गई, मैं गिर पड़ा, मैं वहीं पर बेहोश हो गया। इतने में जब आँख खुली तो देखा एक शराबी शराब पी रहा था और शराब के नशे में झूम रहा था। मुझे भूख प्यास सब कुछ लगी थी मेरे भाई, हमने उसके हाथ से शराब की बोतल छीन लिया और शराब पिया तो मुझे नशा हो गया, मैं सब कुछ भूल गया कि मैं क्या हूं कहां रहने वाला हूं। तब से यही शराब सब कुछ मेरी हो गई। जब बहन की याद आती है ना तो यही शराब पीकर मैं सो जाता हूं, जब उठता हूं तो फिर शराब पीता हूं, बस यही शराब के सहारे अपना जीवन काट रहा हूं। बता मेरे भाई मैं करता तो क्या करता, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया शराब पीने से, अरे नशा नशा और शराब जो करता है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। भैया भैया इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो और ये सोचो इस अपमान का बदला कैसे लिया जाए। भैया हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, भैया हमारी बात मानोगे? बोलो मेरे भाई, क्यों नहीं मानूंगा। आज से नशा त्याग दो, शराब छोड़ दो और सीधा आप चलो चंबल घाटी, चंबल घाटी चलो और वहां बहुत से लोग होंगे, बहुत डकैत होंगे, आप भैया बंदूक उठाओ और डकैत वाला पोशाक धारण करो, सब साथी तुम्हारे साथ रहेंगे भैया बंदूक के सहारे। आप अपने बहन का बदला चुका सकते हो। हाँ मेरे भाई तुमने तो आज मेरी आंखें ही खोल दिया, अरे मेरी बहन भी स्वर्ग से ये सोचती होगी कि वाह मेरे भैया तूने अपनी बहन का बदला नहीं चुकाया और घूम घूम के शराब पी रहा। मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा, तू ठीक कह रहा है, इसी वक्त चंबल जाऊंगा और उठा लूंगा बंदूक। अरे वाह रे उदरा शैतान, जैसे तू मेरी बहन को तड़पा तड़पा कर मारा है वैसे तुझे तड़पा तड़पा के ना मारा तो मेरा नाम भी शिव शंकर नहीं, चलो मेरे साथ। चलिए भैया मैं भी चलूंगा। बहुत काम रहा था चाची, बहुत काम रहा था। तो काम कह लेवा करा, हमारे टाइम पे तैयार रहे, मारा तैयार तैयार रहा। एक जगह मारा था चाची तू चा। मैं दौड़ा दौड़ा मारा भी। बहुत अच्छा लागत वहाँ मरवावत की। माँ की चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो।
अरे अनीता, ये देखो माँ बैठी हैं, जाओ पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। माँ जी के कदमों में बहु अनीता का प्रणाम स्वीकार। दुलहिना, ए चाची, ताका इस महफिल के बादशाह दूल्हे राजा जी, इस सीन को देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार भैया को हमारी कंपनी की तरफ से आशीर्वाद पहुंचे। बेटवा, क्या है माँ? कब आया है बेटवा? ठीक ठाक है कि नहीं? मैं तो ठीक हूँ माँ। और तारे फैटी का हाल बाटे? मम्मी, मम्मी तुमको मालूम नहीं है? ए मम्मी, बाबूजी अब इस दुनिया में चिंता नहीं है। नहीं, ये क्या कह रहे हो? बेटवा ऐसे जिन बोला? ए मम्मी, बेटवा हम की करे सहारे रह भाई? रोने धोने से मम्मी न कुछ फायदा, रोना धोना से मम्मी है बेकार है। आया जितने दिन जो है यहाँ मम्मी जी, एक दिन जाना वहाँ सबको धिकार है। ए मम्मी, अब रोने से कुछ फायदा नहीं है, घबराओ नहीं, घर में मैं हूँ, तुम्हारी बहू अनीता भी आ गई है, हम सब आपको सहारा देंगे मम्मी, घबराओ नहीं। ए मम्मी, एक खुशी और है माँ। बोला बेटा, कौन खुशी बात है बेटवा? बोला जल्दी, कौन खुशी की बात है? माँ, मेरी अनीता को कोख में बच्चा पल रहा है, अपने घर खुशियाँ आने वाली है। क्या कह रहे हो बेटा? सच बात? मैं सच कह रहा हूँ मम्मी। बोला बेटवा, बोला बेटवा, माँ मेरी बात सुनो। बोला, जग के खुशी भर भई, जग के खुशी भर भई, हे अचुरा मिलाई के तो का खियो भई अम्मा अब हम कमाई के तो का थियो भई मां। जग के खुशी भा
भरबई जग के खुशी भरबई अछरा मिलाई के तुहका खियऊ भई माई तुहका खियऊ भई माई अब हम कमाई के तुहका खियऊ भई माई माई खुद गीली सोयु अम्मा झुरवा सवायु हो खुद गीली सोयु अम्मा खुद गीली सोयु अम्मा झुरवा सवायु हो डठ दुपहरिया में अचरा ओढ़ायु हो जठ दुपहरिया में दूधो पियायु अम्मा दूधो पियायु माई खुनवा जलाई के तुहका खियऊ भई माई तुहका खियऊ भई अम्मा अब हम कमाई के तुहका खियऊ माता रे तू चिंता ना करा तोहर बहु अनीता तोरे पास रहे हैं तोहर सेवा करिए महतारी इजाजत हो तब फिर शहर बनारस चल जाई नौकरी के बात आए अगर नौकरी चल जाई तो यहाँ खेत में मेहनत मजदूरी करे के परी महतारी अगर इजाजत हो तो जाई माई ठीक है बेटवा तू जा नौकरी करा हम तो है यही नहीं हम घरे की देखभाल कर भाई करम जा बेटवा ठीक है महतारी तू बैठ जा अनीता देख अनीता माँ का कोई सहारा नहीं है तेरे ही सहारे माँ को तेरे पास छोड़कर जा रहा हूँ माँ की देख रेख करना कोई शिकवा शिकायत ना आए आप तनिको चिंता जिन करें आप जा जौन हो सके जितना हो सके हम उतना अम्मा के प्यार दे उनकर सेवा करब तू से ये उम्मीद है ए महतारी आ बेटवा अब चलता ही इजाजत दे जा बेटवा अच्छे से रहना चल रहा हूँ मां अम्मा बोला दुलहिना हम ना जानत रहे कि नीतू दीदी ऐसे कह दे ही लेकिन तू चिंता जिन करा जितना हो सके तो का अपने सगी महतारी किनाए हम मानब तू तनका चिंता जिन करा अत जो सगे महतारी ना हो सगे बिटिया ना है तो के मानब थार सेवा हम खूब करब तू चला अंदर खाना बनाए है चला खाना खाए ले Thank you.
सिमटी तो बनी नागन फैली तो घटा छाई। सिमटी तो बनी नागन फैली तो घटा छाई। अंगूर की बेटी ने क्या खूब वादा पाए। मेरे पीने के सारे झगड़े हैं। मेरे पीने के सारे झगड़े हैं। अरे मैं न पीती तो बात कुछ भी न थी। कैश दीवाना था मोहम्मद का, लैला मजनू में तो बातें कुछ भी न थी। कहते हैं कि नशा ईमान होता है। कादिर भाई, नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। तेरा गम अगर न हो ये सितम अगर न होता तो शराब मैं न पीती। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीती। आप लोग मुझे देखकर बड़ी हैरत में होंगे, ये लड़की कौन और इसके हाथ में शराब की बोतल क्यों? ए साले दुनिया वाले, कहते हैं कि ईश्वर सत्य है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जब ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, तो सत्य पर जीत असत्य की क्यों? सत्य इतना खोखला नहीं हो सकता जिस पर असत्य विजय प्राप्त करे। इन सबका ढकोसला और कुछ भी नहीं। यहां तो वो है जिसकी लाठी उसी की भैंस। यहां जब चाहो तब चाहो किसी का भी कुछ कर सकते हो। कहते नहीं कि लगी बाजार माया की, इसी का नाम दुनिया है। यहाँ ईमान बिक जाता फकत एक पान के आगे। ये दुनिया है। अरे मेरी गलती क्या थी, कौन सा गुनाह की थी मैं? सिर्फ सच का ही डोर तो पकड़ी थी ना, सिर्फ सच का ही दामन थामी थी। बदले में मिला क्या? बाबूजी को मार दिया गया। मेरा भाई
जिसकी कलाई में कभी आंखें बाधा करती थी, जान से ज्यादा उससे प्यार करती थी, वही मेरा भाई मुझे दोषी समझकर घर में पुलिस को बुला दिया। कौन सा गुनाह था मेरा? पुलिस थाने ले गई, जब मेरा चालान बनाकर कोर्ट तक ले जाना चाहिए, रास्ते में अचानक जीभ खराब हो गई। मौके की नजाकत को देखी जीभ से भाग निकली। भागते 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 बहुत दूर भाग गई। भूख लगी थी, प्यास लगी थी, जिससे खाना मांगती वो मेरे जिस्म को देखता था। इस दुनिया के दुनिया वाले, यहां जब कोई बेटी बहन हाथ फैला कर भीख मांगती है ना, तो उसके बदन के कपड़े को देखते हैं कि ये कपड़े कहां तक फटे हैं। तभी मैं देखती क्या हूं, एक शराबी शराब के नशे में झूम रहा था। आज मुझे पता चला कि शराब इंसान क्यों पीता है। सही करता है, पीता है, क्योंकि दुनिया इतनी बेरंग हो चुकी है कि इस रंग के आगे सब फीका है। शराब मत छोड़कर शराब पीने लगी और सब कुछ भूल गए। आज इसी शराब के नशे में सामने दरिया बह रही है, इसी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। नहीं जीना है मुझे, नहीं जीना है भैया, सिर्फ एक आंसू है तुझसे, मैं मर जाऊंगी ना तो तू अपना ख्याल रखना।